Now to the UK, where the NHS is in a critical condition. 2.5 lakh जो citizens हैं UK के वो निहायत ही जिसे बोलते हैं health crisis से गुजर रहे हैं. दो बार. The NHS wants Indian doctors, at least 2,000 of them, to keep the health system from collapse. सुनते जाइए. इस वक्त UK को medical facilities की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सुनते जाइए. भारत से 2,000 doctor जो हैं वो UK जाएं. सुनते जाइए. और UK ने भारत ही से क्यों demand किया? पूरी दुनिया को छोड़के भारत ही से क्यों कहा गया कि आप अपने doctors जो है वो UK भेजें? के इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है. हाँ भाई हाँ. इंडिया फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में इतना तेजी से डेवलप कर रहा है कि इंडिया को अब वर्ल्ड्स फार्मेसी कहा जाने लगा है. क्या बात है. इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो दुनिया में पहले नंबर पे. वाह मोदी जी. दुनिया की जितनी भी सर्जरीज हैं, टॉप क्लास की जो सर्जरीज है वो इंडियन सर्जन पूरी दुनिया में माने जाते हैं. और मेरे भाई टॉप के जाहिल आज भी पाकिस्तानी माने जाते हैं. ताली तो बजा दो. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर नजर आ रहे हैं. तो जश्न मनाया जाए. वहाँ का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका NHS वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है. अल्लाह तौबा. और सुने, पाकिस्तान में बहुत से डॉक्टर हैं, कुछ मेंटल डॉक्टर हैं. मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान. कुछ MBBS भी है. मैं ये नहीं मानता हूँ. इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद पाकिस्तानी डॉक्टर्स के डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे. सऊदी अरब में देखो इंडियन डॉक्टर, अमेरिका में देखे तो इंडियन डॉक्टर, UK 2000 इंडियन डॉक्टर्स को बुला रहे हैं. जलवा है हमारा. जरा सुनिए. भारत में जो डॉक्टर है ना वो अपना पैसा कमाने के लिए या अपना नाम बनाने के लिए चले तबके से डॉक्टर बनते हैं. वो जाके ना बाहर के मुल्क पे ना वो को ना ट्रीटमेंट देते हैं, वो अच्छे तरह काम करते. समझ रहे हो कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो बिल्कुल एज कम्पेयर टू इंडिया देखे तो बिल्कुल बड़ा हुआ है. मतलब पाकिस्तान में बढ़ गया, इसका मतलब ये होता है कि खराब है, खत्म हो गया है, बेकार है, बढ़ गया, समझ लो आप. ठीक है. बहुत सारे हिंदू भाइयों को ये शब्द समझ में नहीं आता है. क्या बहसियत कौम हम कभी तरक्की की राह से आशना नहीं होंगे? नहीं. हिंदुस्तानी जामी होता है वो अपने कल्चर से, अपने आत्मविश्वास से, अपने कर्म से जाना जाता है. सही बात है. और पूरे संसार के अंदर इस भारत भूमि की और भारत के लोगों की ख्याति बढ़ाता है. इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तानी की डिमांड विश्व में तेजी से बढ़ती जा रही है. इसका सीधा सा उदाहरण ये देख सकते हो आप कि जितनी भी मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां उन सब के ऑलमोस्ट CEO हिंदुस्तानी है. ठीक इसी तरीके से इंग्लैंड ने भी भारत से 2,000 डॉक्टर मंगवाए और ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है. लेकिन पाकिस्तानी के पास ले दे के एक ही डॉक्टर है, वो है डॉक्टर फिजा खलीफा. क्या करता है रे तेरी तो. अब ऐसी डॉक्टर होगी जो रिपोर्टिंग करती है तो वो उसको कौन बुलाएगा भाई? उसको तो TTP वाले बुलाएंगे अपने हरम में. और नहीं तो क्या. और हिंदुस्तानी डॉक्टरों की डिमांड है और पाकिस्तानी तड़पे ना, ऐसे कैसे हो सकता है भैया? हो ही नहीं सकता. असंभव. तो बिना देर के चलते पाकिस्तान. चलो भाई. भारतीय डॉक्टर जो है ना वो करोड़ों रूपए लगा के ना नाम के लिए डॉक्टर नहीं बनते. करोड़ों नहीं लगाते. नहीं वो बनते ही फ्री है ना. वो फ्री बनते हैं. वो गवर्नमेंट लेवल पे डॉक्टर बनते. इधर 80-90 लाख रुपया लगा के तो उनको आता तो कुछ होता नहीं है. प्राइवेट मेडिकल में दाखिला लेके डॉक्टर बन जाते. वो डॉक्टर और वो सरकारी डॉक्टर जो ना उनमें बहुत फर्क होता है. भारत में जो डॉक्टर है ना वो अपना पैसा कमाने के लिए या अपना नाम बनाने के लिए निचले तबके से डॉक्टर बनते हैं. निचले तबके से वो जाके ना बाहर के मुल्क पे ना वो उनको ना ट्रीटमेंट देते हैं, वो अच्छे तरह काम करते. इधर के जो डॉक्टर महंगे करोड़ों रुपये लगा के बनते हैं, वो डिग्री के लिए होते हैं, वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते. क्या बात है चचा, क्या बात है. ये बात है पाकिस्तान का टैक्सी ड्राइवर इतना समझदार है. फिजा खलीफा कुछ सीखो. ये फर्जी डिग्री जो तुमने अपने नाम के आगे लगा रखी ना, इसको हटाओ. सिर्फ ये बोला करो मैं हूँ फिजा खान, ना कि डॉक्टर फिजा खान. ठीक है जी. फर्जी डॉक्टर हो. हमें फर्जी इनके डॉक्टर है, फर्जी इनके पायलट है. क्या मुल्क है, क्या होगा रे तुम्हारा? अब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं. पाकिस्तानी डॉक्टर्स को कोई कंसिडर क्यों नहीं करा? हमारे डॉक्टर तो 50-50 लाख रुपए का वीजा लेके मुल्क से बाहर जा रहे हैं. क्या बात कर रहे हैं? भारत के जो लोग हैं वो उनमें एक डिसिप्लिन है. वो उन्हें में हमारे पाकिस्तानी कौम में डिसिप्लिन नहीं है. हम एक दूसरे को धक्का मार के आगे जाने को करते, वो अपने लाइन पे आते हैं. यहाँ पाकिस्तान में वो काम नहीं होता. यहाँ पे जो इंग्लिश बोलेगा ना उसको तो पहले 4 गलतियाँ सुनाएंगे. बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं. वो डिसिप्लिन के हिसाब से वो हर चीज को ना वो क्रिएट करते हैं, इसलिए उनका वहाँ पे उनका नाम, उनकी डिमांड है. हमारे पाकिस्तान वाले बाहर भी जाते हैं तो वो देखते हैं यार ये पाकिस्तानी है,
इनकी इनको चेक कर दे। अरे चाचा चेक तो करते करते हैं, पूरे पेंट उतार के चेक करते हैं। अच्छा बात नहीं है। आप देखिए आप ये युद्ध है ना, आप अगर अच्छा बीज बोओगे कल के बाद जाहिर सी बात है आप इदारे अच्छे बनाओगे, आप युद्ध को अच्छी तरबियत दोगे, अपने इदारों को उस स्टैंडर्ड पे रेस करोगे, नस्ल फसल भी वैसा ही मिलेगा। सही बात है। इंडियन डॉक्टर्स को बुलाने का मकसद ये, आप देखिए आप जाके रिसर्च करें ना कि इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो दुनिया में पहले नंबर पे है। अच्छा। दुनिया की जितनी भी सर्जरीज है टॉप क्लास की जो सर्जरीज है वो इंडियन सर्जन पूरी दुनिया में माने जाते हैं। देखे ना एक कीड़ियों में भी डिसिप्लिन होता है, वो लाइन पे जाती हैं। है कीड़ियां जो जा रही है ना, आपकी कितनी लंबी कतार देखे वो कहेंगे लाइन पे जा रही, वो इधर उधर नहीं। हमारे जो पाकिस्तानी वो धक्का मार के आगे को जाते हैं। पहली बात तो ये है कि इंडिया की जो GDP है अच्छा। वो नई टेक्नोलॉजीज पे वो वहाँ पे स्पेंड करते तो जाहिर बात है तो वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी आएगी और उनकी स्टडी जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी। हमारे पाकिस्तान में हाल ये कि जो बहुत ओल्ड फैशन जो स्टडी होती आ रही है ना तो वही स्टडी है, उसके बेस पे तो बाहर नहीं होना वहाँ पे। और जो आपने बात की है कि जो सऊदी अरब और इन कंट्रीज़ में अभी यही वाली वीज़े एक्सेप्ट होते हैं तो ये भी इसी वजह से। दूसरा रीज़न ये है कि जो इंग्लैंड में अभी इंडियन डॉक्टर्स को बुलवाए तो वो इस वजह से कि वहाँ पे जो अभी प्रेजिडेंट है उनका वो ऋषि सोनक, उसकी वजह भी काफ़ी मैटर, वो भी इंडियंस है ऑब्वियसली, उनकी टेक्नोलॉजी और उनके शार्प माइंडेड होने की वजह से हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा। हमें इस तरह वो इख्तलाफात नहीं करने चाहिए। ये आप ही खुद देखेंगे हमारे में ये डिसिप्लिन की कमी है, और डिसिप्लिन की कमी तब है कि हमें तलीम ही नहीं इस मियार की मिली कि जो हम सीख सकें। ये चाचा भले ऑटो चलाता लेकिन बातें काफी समझदारी की कर रहा है, इसने पाकिस्तान को अंदर से जिया है, अंदर से, समझ रहे हो। यूके ने 2000 इंडियन डॉक्टर्स को बुलाया क्योंकि वहां पर कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, उन्हें लोगों को रेस्क्यू करना है। सवाल ये है कि पाकिस्तान में तो सबसे दो फील्ड्स को अहमियत दी जाती है, एक इंजीनियरिंग को और एक डॉक्टर को, और हर बंदे की यही कोशिश होती है कि या मेरा MBBS में हो जाए या मेरा UMT के अंदर इंजीनियरिंग में हो जाए, लेकिन स्कोप फिर भी नहीं है। आप देखें सबसे पहले ना आपने जो बात कही के, आप देखें आप खुद को प्रैक्टिकल चीज में मनवाएं आगे जाके ना, मुल्क ख्वा कोई भी हो, आप पाकिस्तान से हो या कहीं से भी हो, अगर आप प्रैक्टिकलिटी में बहुत आगे हो, आप उस चीज को करते हो, उस फील्ड के अंदर आप जाके खुद को मनवाते हो, तो आपको उस चीज का क्रेडिट मिलता है, ग्लोबली मिलता है। ये जो एरा है ना ये ग्लोबलाइजेशन की है, इसमें जितने भी मुल्क है ना ग्लोबलाइजेशन के थ्रू चलते हैं सारे मिलके। जहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि यार हम पाकिस्तानी हैं, हमें तो ये हो गया, हमें कैथरीन मिस्टर चिप्स ने कैथरीन के इश्क में इतने 40 चैप्टर लिख दिया, हमें तो वो पढ़ाए जा रहे, हमारा अंग्रेजी का मसला, यार इन चीजों से निकलो। देखें जब आप प्रैक्टिकलिटी एक फील्ड अच्छी बनाओगे ना, बीज अच्छा बोओगे कल की बात फसल अच्छी होगी। तो मेरे भाई तुमने अच्छे बीज बोए कहाँ हैं, तुमने तो जिहादियों के बीज बोए और आज वो फट रहे हैं। अभी तुम्हारे अप्पा BLA वाले ने ग्वादर में विस्फोट कर दिया, आत्मघाती हमला कर दिया, पता नहीं कितने तो अफसर मारे गए, कुछ जिहादी भी मारे गए। 2-3 दिन पहले TTV वालों ने तुम्हारे अफगान बॉर्डर पे तुम्हारे 5-6 आर्मी के कमांडो को उड़ा दिया, अफसरों को उड़ा दिया, और तुम लोगों ने पूरी जिंदगी कश्मीर के अंदर आतंकवादी भेजने की कोशिश की और आज भी मुसलसल तुम लोग जारी हो। वो तो हमारी इंडियन आर्मी की एक एक गोली पे बेहतर हूरों का निशाना लिखा हुआ है तो सीधा उनको बेहतर हूरों के पास पहुंचा देती है, लेकिन तुम लोगों ने कश्मीर को बर्बाद करने की कोशिश में कभी भी कमी नहीं रखी है। तो तुम लोगों ने जो बीज बोए ना, जो तुमने बीज बोए वही बीज आज तुम काट रहे हो। भाई तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, जो पाकिस्तान को चला रहे ना उनको ये बात समझनी चाहिए कि बीज अच्छे बो। इंडियन डॉक्टर्स अच्छे प्रोफेशनल भी है और वहां पर इलाज भी सस्ता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना अल्लाह ताला डॉक्टरों से और वकीलों से बचाए, जिस बंदे ने कंगाल होने इन दोनों के मत्थे लग गए वो गया। आपने बोला कि इंडियन डॉक्टर अच्छे हैं, मेरी बात सुने, इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है। अबे साले इंडिया की टेक्नोक्रेसी अच्छी है, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी अच्छी है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं। अच्छा आपको पता है ये एप्पल मोबाइल है, एप्पल मोबाइल को डिजाइन किसने किया? पाकिस्तान के एक साइंसदान ने डिजाइन किया इस एप्पल मोबाइल को। मैं कब हो गया ये? तो भैया पाकिस्तान के साइंसदान का नाम भी सुन लीजिए आप। साइंसदान का नाम है रॉब जेनफ। 1977 में उन्होंने एप्पल का लोगो डिजाइन किया था। तो ये पाकिस्तान का साइंसदान है भैया, मान गए हम। आपको आपको पता है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स बाहर जाके अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, US में काम कर रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं था। सिस्टम अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया की IT सिस्टम को दुनिया के साथ, लास्ट ईयर जो इंडिया की जो IT का सिर्फ वो एक्सपोर्ट था 200 बिलियन सिर्फ चाइना के साथ था। इफ यू कंपेयर इट विद पाकिस्तान, देन पाकिस्तान का सिर्फ ओनली 2 बिलियन IT का सिर्फ उनका ट्रेड है चाइना के साथ। तो पाकिस्तान और इंडिया को हम कैसे
कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ से 50 बंदा निकलता है, वो आज दुनिया के जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड बैंक, IMF, उसके बाद ये जो यूट्यूब, सारे जो जितने भी हैं, ये क्रीम बच्चे इंडिया खुद बनाता है, गवर्नमेंट है ये, पाकिस्तान की गवर्नमेंट। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अंदर एज सच कोई प्रैक्टिकल काम नहीं होता है। आप यूनिवर्सिटी में जाएं, खुद मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो वहाँ पर कोई प्रैक्टिकल काम नहीं होता है, जस्ट एक क्रेमिंग, उसके बाद पेपर पास करो, ठीक है भाई। आपने जस्ट कि हम इधर पैदा हो गए, दिमाग तो सबके पास है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए सब। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, अगर हम इधर पैदा हों, इसकी हम मतलब बदकिस्मती कह लें कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, वो बिल्कुल एज कम्पेयर टू इंडिया देखें तो बिल्कुल बड़ा हुआ है। अबे तुम्हारा सिस्टम बड़ा हुआ नहीं है, तुम पूरा का पूरा मुल्क तुम्हारा बड़ा हुआ है। तुम लोगों के दिमाग में चलती सिर्फ बेहतर हो रहे, जन्नत की शराब, छेद की नदियाँ, दूध की नदियाँ, इन चीज़ों से तुम कभी निकल ही नहीं सकते। इसके लिए तुम लोग बड़े हुए हो और बढ़ जाओ, और आप लोगों को भी जाते जाते इन पाकिस्तानियों को बढ़ाते हुए जाना। कमेंट सेक्शन में धमाके से बढ़ा दीजिए, बढ़ गए फिर ये पाकिस्तानी बोलेंगे इंडियंस ने हमें बढ़ा दिया। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रुको जरा, आप सबको होली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। रंग मत डाल रे सांवरिया, मारो गुजर मारे रे। गुजर बहुत खतरनाक आदमी है भाई, वो मारता भी है, तो गुजरी पे मत डालना। बाकी आप सबको होली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।